चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए लिखिएगा, लिखिएगा बीएससी मैथ सेमेस्टर वन सेशन 2023 से 2027 लिखेंगे। यूनिट वन स्टार्ट इस अल्टरनेट मतलब डेली जो है अभी यूनिट वन चलेगा। क्या चलेगा? यूनिट वन डेली। अब इसका क्लास जो है डेली चलेगा और सुबह में आपको हाई सेट थ्योरी का क्लास चलेगा, ठीक ना। तो लिखिएगा अभी भैया थोड़ी देर में कॉल करते हैं आपको, ठीक है। ठीक, तो उसके बाद जो है लिखिएगा, इसमें पढ़ना है हायर ट्रिगोनोमेट्री, हायर ट्रिगोनोमेट्री, हायर ट्रिगोनोमेट्री। चैप्टर का नाम है डिमोवर्स थ्योरम, पहला चैप्टर है इसका। चैप्टर फर्स्ट डी मोवर्स थ्योरम, डिमोवर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, डिमोवर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, डिमोवर्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो लिखिएगा प्रॉब्लम टाइप थ्री का प्रॉब्लम चल रहा है, प्रॉब्लम ऑन टाइप थ्री में किसका प्रॉब्लम था? ऑन एक्सपेंशन ऑफ साइन थीटा एंड ऑन एक्सपेंशन ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा एंड मिक्स्ड टाइप प्रॉब्लम। तो लिखेंगे क्वेश्चन कै गो हो गया था इसमें बताइए। दो गो क्वेश्चन हुआ था। लिखेंगे तीसरा क्वेश्चन, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इस क्वेश्चन को। लिखिएगा कि सो दैट कॉस 2 पाई बाई 7 cos 8 पाई बाई 7, या कहीं कहीं लिखा होगा इस cos 8 पाई बाई 7 को हम लोग 6 पाई बाई 7 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 8x³ प्लस 4x² -4x -1=0। इस क्वेश्चन को आप सभी आदमी उतार लीजिए और सभी ऑनलाइन वाले बताएंगे साउंड क्लियर है, मैसेज करके एप्लीकेशन पे बताइए साउंड क्लियर है, साउंड आ रहा है तो बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन
ध्यान से सुनिएगा, लेट लेट मतलब ये जो कॉस 2π/7, कॉस 4π/7, कॉस 8π/7 जो है इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट है, ऐसा आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट थीटा बराबर मान लेते हैं 2π/7 जो है और 4π/7 और 8π/7 मान लेते हैं थीटा के बराबर। अब सभी के नीचे किसके बराबर है, 7 है नीचे में, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 7 इन बोथ साइड्स वी गेट। तो 7 से सभी में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2π हो जाएगा, 2π के बाद 4π हो जाएगा, उसके बाद 8π हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इस 7 थीटा को क्या हम लिख सकते हैं, 4 थीटा प्लस 3 थीटा, बोलिए लिख सकते हैं। अब जो है बराबर 2π 4π, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 8π। अब 3 थीटा को क्या करेंगे, सभी में से घटा लेंगे, तो क्या होगा, 4 थीटा बराबर 2π माइनस 3 थीटा, उसके बाद 4π माइनस 3 थीटा, उसके बाद 8π माइनस 3 थीटा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, बताएंगे थोड़ा, 2 × 2 थीटा लिख सकते हैं ना, बताइए। तो दो दोनी कितना होगा, 4 थीटा हो जाएगा, उसके बाद 2π माइनस 3 थीटा, उसके बाद 4π माइनस 3 थीटा, उसके बाद 8π माइनस 3 थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग साइन इन ऑल साइड, मतलब साइन को सभी साइड में ले लेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा है ना कि इसमें कुछ देर के बाद आपको पता चलेगा कि ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई कोई आप फिल्म देखने जाते होंगे हॉल में, तो पूरा कहानी पूरा फिल्म ख़त्म हो जाता है और उसके बाद तब पता चलता है ओ इसको क्यों मारा है ना, है ना, होता है ना, तो बाद में पता चलेगा ये भी, समझे कि नहीं। देखिएगा यहाँ, उसके बाद जो है हम लोग टेकिंग साइन इन ऑल साइड्स, सभी तरफ जो है साइन ले लीजिए, तब बिगेट क्या हो जाएगा बताइए। अगर साइन ले लीजिएगा सभी तरफ तो ये आपका हो जाएगा साइन 2 × 2 थीटा, उसके बाद बराबर साइन 2π माइनस 3 थीटा, उसके बाद कॉमा साइन 4π माइनस 3 थीटा, उसके बाद फिर लिखेंगे साइन 8π माइनस 3 थीटा। तो देखिएगा ये क्या है आपका, ध्यान से सुनिएगा ज़रा, थोड़ा दिखाना चाहते हैं यहाँ पे। देखिए ये आपका है, ये आपका कितना है y एक्सिस, और ये आपका x एक्सिस। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री, ए 90 डिग्री, मतलब पाई बाई कितना हो गया, पाई बाई 2 हो गया, ए आपका पाई हो गया, ई हो गया 2π/3 हो गया, आई हो गया कितना 2π हो गया, है ना। अरे बोलो, तो सभी क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180, और थर्ड क्वाड्रेंट में पाई से 2π/3, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π/3 से 2π, है ना। अब जो है यहाँ पर 2π कैसे आएगा, यहाँ देखिए ध्यान से सुनिएगा, साइन का एंगल क्या है, 2π माइनस 3 थीटा है, तो 2π यहाँ है, बताइए यहाँ पर जो है हाथ रखे हैं, मतलब 2π हो गया, समझे कि नहीं। और 2π में से 3 थीटा को 0 और 90 के बीच माना जाता है, किसके बीच में, 0 और 90 के बीच माना जाता है। तो 0 और 90 के बीच में कोई भी एंगल ले लीजिएगा और 2π में से अगर घटाइएगा, 90 डिग्री के बराबर नहीं, उसके और 0 और 90 के बीच में 3 थीटा को माना जाता है, ना 0 न पाई बाई 2, उसके बीच में। तो 2π में से अगर 0 और 90 के बीच में कोई एंगल घटाइएगा तो किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, समझे। याद रखने का तरीका है, इसमें ऑल
और इसमें मतलब ऑल स्टूडेंट आफ्टर टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, है ना? ऑल स्टूडेंट आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, है ना? तो याद रखिएगा तो याद रहेगा, ऑल हो गया इसमें साइन और कॉस एक, इसमें टैन और कॉट है, इसमें किस कॉस और सेक, तो इसमें जो होगा सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा, तो वही एंगल इसमें एनालाइज कर रहा है। तो इसका मतलब है कि साइन 2π-3θ इंटीजर इन 2π है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन ही लिखेंगे। और यहाँ एक मिनट, और 2π-3θ जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। और जो एंगल घटाया रहता है या जोड़ा रहता है उसको लिख लेते हैं, तो क्या घटाया गया है, 3θ घटाया गया है। यहाँ भी वही चीज़ होगा, 4π, 2π यहाँ हुआ और 4π यहाँ हो जाएगा। एक बार और मूव करेगा तो यहाँ 2π, एक बार और मूव करेगा तो यहाँ कितना हो गया, 4π है कि नहीं। तो फिर 4π में से 3θ को घटाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। 8π का मतलब फिर दो बार और घुमाएंगे तो होगा, समझे कि नहीं। अब देखिएगा तो ये पूरे का मान माइनस साइन 3θ हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा लिख लीजिए, साइन 2θ का फॉर्मूला जानते हैं, 2 साइन 2θ, मतलब थीटा ही है, तो 2 साइन 2θ इन टू कॉस 2θ है कि नहीं, बताओ। अब देखिएगा ये माइनस साइन 3θ हो गया, अब साइन 3θ का फॉर्मूला 2 साइन, यहाँ देखिएगा इस साइन 2θ का फॉर्मूला फिर यूज कर दीजिए, तो क्या होगा, 2 साइन θ इंटू कॉस थीटा, और कॉस 2θ का फॉर्मूला कॉस के टर्म में क्या होगा बताइए, 1 माइनस 2 cos² θ-1, है ना? हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos² θ-1, है ना? उसके बाद जो है माइनस साइन 3θ का फॉर्मूला 3 sin θ-4 sin q θ, तो 3 sin θ-4 sin q θ, है ना, 4 sin q θ। अब हम लोग एगो साइन को यहाँ से हटाने के लिए साइन से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे, पहले लिखेंगे डिवाइडिंग बाई, लिख लीजिए यहीं पे, डिवाइडिंग बाई साइन थीटा इन बोथ साइड्स वी गेट, तो दोनों तरफ साइन थीटा से जब डिवाइड कीजिएगा तो ये क्या निकल के आएगा बताएंगे, ये आपका हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 cos θ ना जी, साइन थीटा कैंसिल ना, और उसके बाद 2 cos² θ-1 बराबर माइनस 3 sin θ कट जाएगा, 1 बचेगा, और एगो साइन थीटा यहाँ से कटेगा, तो 4 sin² θ होगा। तो यहाँ जो है कॉस मिला लिए हैं सभी टर्म को, तो इसको भी कॉस मिला लेंगे, cos² θ + sin² θ 1, तो sin² θ = 1 - cos² θ। तो इसको एक बार और लिख दीजिए, 4 × 8 cos q θ होगा जी, 4 cos θ - 1, तो -4 cos θ = -3 - - +, 4 × sin² θ 1 - cos² θ, है ना? अब जो है ध्यान से सुनिएगा, 8 cos q θ - 4 cos θ = क्या लिखेंगे, -3 + 4 - 4 cos² θ। तो कॉस वाले टर्म को लेफ्ट में ले आइए, ठीक है, तो लेफ्ट में ले आइएगा तो क्या होगा, मतलब 8 cos q θ और प्लस cos² θ, उसके बाद प्लस माइनस 4 cos θ बराबर -3 + 4 कितना होगा, 1। तो इसको लिख लीजिए अच्छे से, 8 cos q θ + 4 cos² θ - 4 cos θ - 1 = 0। पहले इसको उतार लिया जाए, हाँ?
तो पहले इसको उतार लीजिए, उसके बाद कुछ समझाएंगे। पहले उतारिए। अच्छा, 3π/2 होगा, ठीक है। थोड़ा पानी लिया तो चला, पानी लिया अंदर से। हो गया, आगे बढ़े। हो गया, आगे बढ़े। तो देखिएगा, एक बात देखिए, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो इक्वेशन प्रूव करना है, उसमें अगर ये एक जहाँ जहाँ कॉस है, अगर एक्स रख दिया जाए तो वह इक्वेशन आ जाएगा। देखिए तो थोड़ा देखिए, आ जाएगा ना। देखिए, अगर जहाँ जहाँ कॉस थीटा है, अगर उसके जगह पर एक्स रख दिया जाए तो ऊपर वाला इक्वेशन आ जाएगा जो प्रूव करना है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि कॉस थीटा 4x8x³ + 4x² - cos(x-1) = 0 इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। इसका मतलब है कॉस थीटा इस क्यूबिक इक्वेशन का क्या होगा, रूट होगा, है कि नहीं, बताओ। तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके नीचे से, विच शोज दैट, पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिखिए, विच शोज दैट कॉस थीटा इज द रूट ऑफ इक्वेशन 8x³ - 4x - 1 = 0। इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट है कौन, कॉस थीटा। बट थीटा का मान क्या दिया हुआ था, बट थीटा बराबर क्या था जी, बताओ। बट थीटा बराबर क्या था, 2π/7, उसके बाद 4π/7, उसके बाद 8π/7, है ना। तो देयर फोर कॉस थीटा बराबर कॉस 2π/7, सब में कॉस ले लीजिए, cos 4π/7, cos 8π/7 आर द roots of the cubic equation किस क्यूबिक इक्वेशन का रूट है बताइएगा, 8x³ + 4x² - 4x-1 = 0 का। फिर लिखेंगे बट लिख सकते हैं cos 8π/7 को cos 2π - 2π/16 + 7 = 6π/7। देखो 7 × 14π, आ 14π में से 6π घटाएंगे तो 8π हो जाएगा जी। तो cos 2π है,
और 6π/7 को जब आप सोल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि 0 और 90 के इसका बीच में वैल्यू है, और 2π में से 0 और 90 के बीच के वैल्यू को घटाएंगे तो कॉस का एंगल किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, आप फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो प्लस का साइन देंगे बताओ, और इंटीजर इंटू पाई है तो कॉस रहता है तो कॉस लिखते हैं, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होगा तो वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस रहता तो साइन लिखते, साइन रहता तो कॉस लिखते, और जो एंगल घटाया गया है या जोड़ा गया है उसको लिखेंगे, तो क्या घटाया गया है 6π/7, तो यहाँ पे लिखेंगे 6π/ क्या 7 लिखेंगे, तो देखे कॉस 8π/7 किसके बराबर हो गया, कॉस 6π/7 के बराबर, इसका मतलब है कि एंड हेंस कॉस 2π/7, कॉस 4π/7, कॉस 8π/7 बराबर कॉस 6π/7 आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, है ना, इस क्यूबिक इक्वेशन का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यही ना प्रूफ करना था जी, तो लिखेंगे हेंस, पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिखिएगा, हेंस कॉस 2π/7 कॉस 4π/7 कॉस 8π/7 बराबर कॉस 6π/7 आर द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन 8x³, क्या था क्यूबिक इक्वेशन, 8x³ - 4x² - 4x - 1 बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। चलिए उतार लीजिए इसको, सभी आदमी उतार लीजिए, आज ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, अगले क्लास में जो है कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट स्टार्ट करेंगे, कौन चैप्टर, कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट, ठीक है, अभी समाप्त कैसे हो गया, अभी कै गो चैप्टर बताए थे, 5-6 ना था टोटल, इसमें 6 चैप्टर है सेक्शन 1 में, यूनिट 1 में आपका टोटल 6 चैप्टर है, पहला चैप्टर है, और जिनका छूट गया है एडमिशन ले लीजिएगा, तो हम हाँ देखो वहाँ पर लिखवाए हैं, हाँ तो पहला चैप्टर अभी समाप्त हुआ, उसके बाद होगा कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट, उसके बाद ग्रिगोरी सीरीज, उसके बाद हाइपरबोलिक, अच्छा हाइपरबोलिक फंक्शन, तब ग्रिगोरी सीरीज, सुमेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज, उसके बाद होगा रिजोल्यूशन इनटू फैक्टर, है ना, चलिए आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम पूछा था उस दिन वो वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके नीचे से क्वेश्चन, क्वेश्चन कैमा होगा ये क्वेश्चन नंबर 4, लिखेंगे क्वेश्चन फोर लिखिएगा, आने तो कभी कभी ना सुनिए ना, एक और इसमें नोट लिख लीजिए, इसमें नोट ए लिख लीजिए कि कभी कभी कहेगा इस इक्वेशन का जो रूट है उसका सम निकालिए, चाहे कहेगा इस इक्वेशन का जो रूट है उसका प्रोडक्ट निकालिए, बात समझे, तो निकाल लीजिए, नोट लिखिए, तो लिखिए या नोट लिख लीजिए, कभी कभी पूछता है तो कहेला मतलब यहाँ से रहेगा तो याद रहेगा, लिखिएगा सम ऑफ द रूट्स, द सम ऑफ द रूट्स बराबर ए या क्या है क्यूबिक इक्वेशन है, तो एक एक रूट का सम माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, याद है, मतलब याद होगा आप लोग को, पढ़े होंगे और नहीं पढ़े हैं तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन आप लोग को सेमेस्टर 1 में ही पढ़ना है, पढ़ाएंगे फिर से, ठीक है, और प्रूफ करके दिखाएंगे कि ऐसा हम लोग क्यों लिखते हैं, ठीक है, तो रूट कौन कौन है, कॉस 2π/7 कॉस 4π/7 उसके बाद कॉस 6π/7 बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट क्या है -4 और एक्स क्यू का कोफिशेंट क्या है 8, तो ये क्या हो गया 1/2 इसका आंसर हो गया, हाँ +4 एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट माइनस है ना, प्लस था, अच्छा ठीक, तो माइनस हो जाएगा, अब देखिएगा
अब लिखेंगे, पूछेगा कि दूसरा दो दो रूट के प्रोडक्ट का सम, दो दो रूटों का प्रोडक्ट का सम, तो लिखेंगे सम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग टेकिंग टू एट ए टाइम, टू एट ए टाइम मतलब एक साथ दो दो रूटों के प्रोडक्ट का सम, इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट ए टाइम का मतलब हुआ कि टोटल रूट कितना है, तीन गो है, तो एक बार इसको इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे, एक बार इसको इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे, एक बार इसको इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे और जोड़ेंगे, उसका मान किसके बराबर, दो दो रूट को प्रोडक्ट करना एक साथ, तो दो क्या है, इवेन है, इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लस का साइन देंगे और लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, क्या लिखेंगे एक्स क्यू, तो ये क्या हो गया, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है माइनस फोर, उसके बाद एक्स क्यू का कोएफिशिएंट एट, तो ये कितना हो जाएगा माइनस वन बाई टू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका तीनों रूटों का प्रोडक्ट लिखेंगे एंड तीसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तब प्रोडक्ट दो दो रूटों का प्रोडक्ट कर दीजिए, यहाँ नहीं किए क्या होगा बताओ, देखिएगा इसको इसको एक साथ क्या लिखेंगे, कॉस टू पाई बाई सेवन इंटू कॉस फोर पाई बाई सेवन, उसके बाद प्लस कॉस टू पाई बाई सेवन इंटू कॉस सिक्स पाई बाई सेवन प्लस कॉस फोर पाई बाई सेवन इंटू कॉस सिक्स पाई बाई सेवन हो गया। उसके बाद जो है एंड तीसरा में लिखिएगा एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, तीन गो रूट है तो तीन है तो ऑड है ना, तो ऑड रहने पर यहाँ पे माइनस का साइन होगा और कांस्टेंट टर्म लिखते हैं, क्या लिखते हैं कांस्टेंट टर्म, अब बटा कोएफिशिएंट ऑफ क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है बताइए, तीनों रूटों का प्रोडक्ट कॉस टू पाई बाई सेवन इंटू कॉस फोर पाई बाई सेवन इंटू कॉस सिक्स पाई बाई सेवन इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म क्या है बताओगे, कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस वन, तो पहले से माइनस है आई एक्स क्यू का कोफिशेंट वन, तो वन बाई क्या हो गया एट हो गया, चलिए उतार लिया जाए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, पहले इसको उतारिए। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताने जा रहे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लिखिएगा चौथा, चौथा ना, चौथा की क्या मैं बताओ, चौथा लिखेगा, चौथा क्वेश्चन लिखेंगे, चौथा में आपका दिया हुआ है कि इफ कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा बराबर जीरो बराबर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का भी मान किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, तो कह रहा है कि देन सो दैट दिखाइए, तब दिखाइए सो दैट
ए में लिखिएगा ए में, पहला में लिखिएगा पहला में साइन सिग्मा साइन थ्री अल्फा, सिग्मा साइन थ्री अल्फा बराबर थ्री साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, समझे कि नहीं। उसके बाद एंड कॉस थ्री अल्फा बराबर प्रूफ करना है थ्री कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कॉस अल्फा थ्री कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा। पहले इसको उतार लिया जाए। हो गया, लिख लिया, आगे बढ़े। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे कि जो जो प्रूफ करना है उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिएगा कि इसको जो दिया हुआ है, मतलब एक इतना इतना ये सब रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, किसका किसका, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा का। अगर आपसे कोई पूछेगा कि कॉस अल्फा किसका रियल पार्ट है, क्या कहिएगा, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा का रियल पार्ट है। अगर कोई कह देगा कि कॉस बीटा किसका रियल पार्ट है, तो क्या कहिएगा, कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा का रियल पार्ट है। उसी प्रकार साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा पूछ देगा कि किसका इमेजिनरी पार्ट है, तो साइन अल्फा है अल्फा कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा का रियल पार्ट। तो इस तरह से आपको जो है कम्प्लेक्स नंबर कॉस और साइन के टर्म में आपको तीन गो लेना होगा, अल्फा के टर्म में, बीटा के टर्म में और गामा के टर्म में, ठीक है। और उसके बाद तब समझ में आएगा। तो लिखिएगा सॉल्यूशन, लिखेंगे लेट स्मॉल ए बराबर क्या, स्मॉल ए बराबर कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, बी बराबर कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, और एंड सी बराबर कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा, समझे कि नहीं। इसको उतार लिया जाए। हो गया, आगे बढ़े। तो लिखिएगा देयर फोर, तब हम लोग तीनों को पहले जोड़ देते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन रिजल्ट निकलता है। पहले ए निकलता है कि ऊपर वाला निकलता है कि नीचे वाला निकलता है, ठीक है। अच्छा, इसका एगो और पार्ट है, समझे कि नहीं। तो एगो और पार्ट है, तो इसी में बी करके लिख लीजिए ना, यहीं पे लिख लीजिए। बी में लिखिएगा, बी में बी का पहला लिख लीजिए, इसका एक और पार्ट है, इसी सब को सोल्व करने पर आएगा, समझे कि नहीं। इसलिए फिर दोबारा मेहनत नहीं करना पड़े, लिखिए। ए में लिखिएगा पहला में, बी में, बी के पहला में साइन सिग्मा साइन टू अल्फा बराबर सिग्मा कॉस टू अल्फा, कॉस टू अल्फा बराबर जीरो प्रूफ करना है, ठीक है। और दूसरा में लिखिएगा, इसके दूसरा में सिग्मा साइन स्क्वायर अल्फा सिग्मा कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर इसका मान जो होगा वो 3/2 होगा, ये भी आपको प्रूफ करना है, ठीक है। पहले इसको उतार लिया जाए और उसके बाद आसानी से इसको हम लोग बना लेंगे, देखो ना बहुत आसान है। तो लिखिएगा देयर फोर, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, और तीनों को जोड़ दीजिए, क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन, यहाँ अल्फा होगा, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, उसके बाद कॉस
गामा प्लस आयोटा साइन गामा, समझे कि नहीं। अब देखिएगा क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को एक साथ लिख के और उसको ऐड कर देते हैं तो क्या होगा बताइएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, उसके बाद आयोटा सभी जगह से कॉमन कर लेंगे, तो आयोटा सभी जगह से कॉमन कीजिएगा तो क्या होगा साइन अल्फा प्लस साइन साइन बीटा प्लस साइन गामा, है ना। अब देखिएगा बट गिवेन दैट लिखेंगे, बट गिवेन दैट दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा बराबर क्या होगा जीरो होगा, एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू क्या होगा जीरो होगा। अब ध्यान से सुनेंगे, लिखेंगे देयर फोर, देयर फोर ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो गया, इसके जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का मान जीरो और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का भी मान जीरो है, तो यहाँ देखे ए प्लस बी प्लस सी का मान जीरो निकल गया। और याद होगा आप लोग को एक फार्मूला अलजेब्रा में लोअर क्लास में पढ़े होंगे कि यदि ए प्लस बी प्लस सी का मान जीरो के बराबर होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर थ्री ए बी सी होता है ना। ए बी सी का मान हमको मान लिए हैं, ए क्या है बी क्या है सी क्या है वो मान लिए, उस सभी का मान उसमें हम लोग क्या करेंगे पुट करके और जो प्रूफ करना है वो रिजल्ट ला लेंगे, ठीक है। पहले यहाँ तक सभी आदमी उतार लीजिए, उतारिए जल्दी। तुम्हारा आँख ठीक हो गया लगता है, हमको भी होगा क्या, दर्द कर रहा है आ? पैसा देते हैं आज ला देना तो तब जाना। रात के रात किची राज आ रहा है, ऐसे ही स्टार्ट हुआ था क्या तुम्हारा भी, हाँ दर्द दर्द कर रहा है मेरा आँख लगता है, तोरे देखते देखते हो गया क्या रे आ? किसी और को देख लिया इसलिए हुआ। देखो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा लिखिएगा आप ए में, देखिएगा ए को बनाएंगे बट वी नो दैट, वी नो दैट यदि इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो तो देन लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर थ्री ए बी सी, क्या होगा थ्री ए बी सी, है ना। उसके बाद देखिएगा तो देयर फोर ए का मान क्या है बताइए, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा का क्यू, उसके बाद कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा का क्यू, उसके बाद साइन कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा का क्यू इज इक्वल टू थ्री कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, उसके बाद कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा इंटू कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा, है ना। अब देखिएगा ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, यहाँ देखिएगा कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा के पावर में तीन है तो यह तीन कॉस और साइन के एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा बताइए, तो क्या लिखेंगे कॉस थ्री अल्फा प्लस आयोटा साइन थ्री अल्फा, उसके बाद कॉस डिमोवर्स चरम यही ना होता था, मतलब कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के पावर में एन होता था, एन पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है ना।
पॉजिटिव फ्रैक्शन और निगेटिव दोनों हो सकता है, तब इस पावर को जो है कॉस और साइन के एंगल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी का नाम पड़ता है क्या, डिमोवर्स थ्योरम, है ना। अब देखिए यहाँ पर कॉस थ्री बीटा प्लस आयोटा साइन थ्री बीटा प्लस कॉस थ्री गामा प्लस आयोटा साइन थ्री गामा, है ना। उसके बाद जो है याद कीजिए ऐसा ऐसा जो है कै गो प्रोडक्ट में है, तीन गो प्रोडक्ट में है, तो इसको लिखेंगे तीन कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है कि नहीं बताओ। अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि कॉस थ्री अल्फा कॉस थ्री बीटा कॉस थ्री गामा को एक साथ और साइन थ्री अल्फा साइन थ्री बीटा साइन थ्री गामा को एक साथ रख के आयोटा को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे और रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कॉस थ्री अल्फा कॉस थ्री बीटा प्लस कॉस थ्री गामा प्लस आयोटा साइन थ्री अल्फा प्लस साइन थ्री बीटा प्लस साइन थ्री गामा इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू तीन से गुना कर दीजिए, थ्री कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आयोटा थ्री साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो देखिएगा देयर फोर इक्वेटिंग रियल एंड इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इन बोथ साइड्स बी गेट रियल और इमेजिनरी पार्ट को दोनों तरफ इक्वेट कीजिएगा तो क्या होगा, देयर फोर कॉस थ्री अल्फा प्लस कॉस थ्री बीटा प्लस कॉस थ्री गामा इज इक्वल टू क्या होगा बताएंगे, थ्री कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, समझे। एंड हम लोग लिखेंगे साइन थ्री अल्फा अल्फा प्लस साइन थ्री बीटा प्लस साइन थ्री गामा इज इक्वल टू थ्री साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब देखेंगे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखो इधर लिखेंगे मतलब या इसको देखिए, इसको जो है ना इसके जगह पे आप लिख सकते हैं सिग्मा कॉस थ्री अल्फा भी लिख सकते हैं, या अगर ये भी लिखा रहेगा इसका मतलब होगा कि कॉस थ्री अल्फा प्लस कॉस थ्री बीटा प्लस कॉस थ्री गामा। अगर लिखा ये भी रहे कॉस थ्री बीटा तो इसका मतलब यही हुआ कि कॉस थ्री अल्फा प्लस कॉस थ्री बीटा प्लस कॉस थ्री गामा, या ये भी लिखा रहे कॉस थ्री गामा तो मतलब यही लिखेंगे कॉस थ्री अल्फा प्लस कॉस थ्री बीटा प्लस कॉस थ्री गामा बराबर क्या होगा, थ्री कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही आपका आंसर हो गया। एंड आपका जो है इसके जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं सिग्मा साइन थ्री अल्फा भी लिख सकते हैं, या सिग्मा कॉस थ्री बीटा भी लिख सकते हैं, साइन थ्री बीटा भी लिख सकते हैं, या सिग्मा साइन थ्री गामा भी लिख सकते हैं। इसका मान किसके बराबर होगा, थ्री साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा, यही आपका आंसर हो गया। चलिए इसको उतार लीजिए, इसका सेकंड वाला पार्ट इसको प्रूव करते हैं, पहले इसको उतार लिया जाए। सभी आदमी उतार लिए,
चलिए आगे बढ़े। हो गया, आगे बढ़े। अब देखिएगा इसका बी अगर बनाना होगा तो देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। बी सिंस ए बराबर क्या था, कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, तो देन वन बाई ए बराबर क्या होगा, याद कीजिए, बताए थे ऐसा कि अगर ए बराबर कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा तो वन बाई ए बराबर कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा है ना। उसके बाद लिखेंगे कि b बराबर कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, तो देन वन बाई बी बराबर क्या होगा, कॉस बीटा माइनस आयोटा साइन बीटा, यही ना होता है, बताइए। उसके बाद एंड c बराबर क्या माने थे बताओ, एंड c बराबर जो है कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा है, तो यहाँ पे क्या होगा, देन वन बाई सी बराबर कॉस गामा माइनस आयोटा साइन गामा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों को जोड़ देंगे, लिखेंगे देयरफोर वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई सी बराबर क्या होगा, सभी कॉस अल्फा को एक साथ जोड़ दीजिए और सभी साइन अल्फा बीटा गामा को एक साथ जोड़कर आयोटा को कॉमन कर लीजिए, तो क्या होगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा माइनस आयोटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा होगा, बताइए। अब जो है हम लोग लिखेंगे बिनो दैट हम लोग जानते हैं कि फार्मूला होता था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू ए सी प्लस टू सी बी है ना, टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, हाँ बी सी होगा, बी सी। तो क्या हम यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ टू ए बी सी हम लोग कॉमन कर सकते हैं, बताइए। अगर टू ए बी सी कॉमन कीजिएगा तो वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई सी होगा, बताओ होगा ना। अब देखिए तो इसका मान किसके बराबर है, इसका मान जो है जीरो के बराबर है, तो जीरो प्लस आयोटा जीरो बराबर क्या होगा, वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई सी का मान किसके बराबर, जीरो के बराबर। देखो ना यहाँ इसका मान ऊपर में दिया हुआ है और इसका भी मान दिया हुआ है, किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो यहाँ पे आप जब इसको रखेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो जीरो पूरा हो जाएगा तो बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी पहले भी निकाले थे, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या था बताओ, जीरो था ना जी, हाँ था जीरो बोलो। तो यहाँ क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर जीरो। तो यहाँ से लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर जीरो, तो यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, ए किसको माने थे बताओ, ए माने थे कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा का होल स्क्वायर, कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा का होल स्क्वायर, कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा का होल स्क्वायर बराबर जीरो। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बता सकते हैं, कॉस टू अल्फा डिमोवर्स थ्योरम का यहाँ पे यूज कर दीजिए, तो कीजिएगा तो क्या होगा, आयोटा साइन टू अल्फा प्लस कॉस टू बीटा प्लस आयोटा साइन टू बीटा
प्लस कॉस टू गामा प्लस आयोटा साइन टू गामा है ना, कॉस टू गामा इज इक्वल टू जीरो। तो क्या हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, सभी कॉस टू अल्फा कॉस टू बीटा कॉस टू गामा को एक साथ तर लिखेंगे तो कॉस टू अल्फा कॉस टू बीटा कॉस टू गामा इज प्लस आयोटा साइन साइन टू अल्फा साइन टू बीटा साइन टू गामा है ना इज इक्वल टू जीरो। तो आप बताइए इस जीरो को हम लोग बना सकते हैं जीरो प्लस माइनस आयोटा इंटू जीरो, तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इन बोथ साइड, तो दोनों प्रूफ हो जाएगा बताइए। और उसके बाद अगर उसका दूसरा प्रूफ करना होगा तो आप लोग कॉस टू अल्फा का फॉर्मूला जानते हैं साइन के टर्म में, वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा है ना, जानते हैं कि नहीं बताओ, तो उसका यूज कर देंगे तो दूसरा भी प्रूफ हो जाएगा, कर लोगे ना। फिर यहाँ भी यूज कॉस टू बीटा वन माइनस टू साइन स्क्वायर बीटा, यहाँ भी वन माइनस थ्री साइन, तो तीन गो तो ऐसा ही हो गया। अब माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस टू साइन स्क्वायर बीटा माइनस टू साइन, तो टू कॉमन कर लेंगे तो आपका ये हो जाएगा थ्री, थ्री बाई टू हो जाएगा आंसर। देखिए ना वो प्रूफ भी करना है थ्री बाई टू। अब देखिएगा इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इन बोथ साइड्स बी गेट, तो ये क्या हो जाएगा जब इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा कॉस टू अल्फा कॉस टू बीटा कॉस टू गामा इज इक्वल टू जीरो एंड साइन साइन टू अल्फा साइन टू बीटा प्लस साइन टू गामा इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं सिग्मा कॉस टू अल्फा बराबर क्या होगा जीरो एंड सिग्मा साइन टू अल्फा इज इक्वल टू जीरो। एक तो प्रूफ हो गया, अगर दूसरा प्रूफ करना होगा तो कॉस टू अल्फा को क्या लिखेंगे, वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा वन माइनस टू साइन स्क्वायर बीटा वन माइनस टू साइन स्क्वायर गामा, समझे। तो वन तीन बार हुआ तो तीन, अब माइनस टू कॉमन कर लेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, तो थ्री को ई टू वाला को उधर कर देंगे और टू को इधर कर देंगे तो थ्री बाई टू कितना बराबर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू थ्री बाई टू और उसमें सिग्मा लगा देंगे, समझे कि नहीं, तो आंसर आ जाएगा, कर लीजिएगा ना। तो यही आपका आंसर है। तो आज ये आपका चैप्टर जो है समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग पढ़ेंगे कम्प्लेक्स आर्गूमेंट, क्या पढ़ेंगे कम्प्लेक्स आर्गूमेंट है ना दूसरा चैप्टर, देखो हाँ, तो लिखेगा द एंड, क्या बोल रहे हैं क्या, अरे भैया कम्प्लेक्स एनालिसिस तो पहले ही बता दिए ना, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्या था हम पूरा पढ़े हुए हैं, वो लिखा हुआ टू कन्वर्ट, मतलब ना यह ए था पोलर फॉर्म पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है, यही था ना, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर तो रिप्रेजेंट करके नहीं बताए हैं, बस हो गया वही तो है, समझे कि नहीं। चलिए उसके बाद लिखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए द एंड चैप्टर फर्स्ट एंड इट्स एप्लीकेशन, ये आपका समाप्त हुआ। अब अगले क्लास में जो है हम स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर कम्प्लेक्स आर्गुमेंट, सभी को कल आना है, हम लिंक ये सब जो नहीं आ रहा है वो सोचता है कि सर ग्रुप में लिंक भेजेंगे, अब लिंक नहीं जाएगा, बात समझे कि नहीं, तो याद रखिएगा सभी को क्लास आना है, नहीं तो जिस दिन नहीं आइएगा उस दिन छूट जाएगा। चलो तुम जा, और नीचे और नीचे रे,
आज थोड़ा लेट हुआ है कॉलेज के कारण, ठीक है? तो आप लोग कल से ज़रूर आइएगा टाइम पे, ठीक ना?